हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए, आज हम लेकर आए हैं एकदम नया तरीके की पकौड़ी की रेसिपी। इसे आप खाएंगे तो भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं और देखिए कितनी टेस्टी बनी है। तो इसके बनाने के लिए हमें बिल्कुल दो तीन चीज़ों को ही ज़रूरत है, और बिना कम तेल और क्रिस्पी बनेगा। केवल बेसन से ही हम बनाएंगे इसे पकौड़ी को। इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, हमने गोभी, आलू, कादा और धनिया पत्ता, दो प्याज, दो तीन आप प्याज ले सकते हैं, छोटे होते हैं, बड़े हो तो दो तीन दो ले लीजिए, और छोटे साइज के होते हैं। तो हमने गोभी को क्रश कर लिया है पूरा। ये आलू एक बड़ा साइज का लेकर हमने इसको क्रश कर लिया है। क्रश कर कर धोकर आप अच्छे से रख लीजिएगा। इसको गोभी को भी हम कद्दूकस कर लिए, आलू को भी, और गादा हमने 2 मिनट के करीब अपने हाथों से माप कर ही लिया है। और ये तीन छोटे साइज के प्याज है। ये धनिया पत्ता थोड़ा हमने ज़्यादा लिया है, 6-7 के करीब हम मिर्ची ले लेंगे। 100 ग्राम के करीब बेसन हम ले लेंगे। थोड़ी सी सूजी हम डालेंगे इसमें, एकदम थोड़ी सी क्रिस्पी करने के लिए डालना है। तो चलिए प्याज को इसमें डाल देते हैं। सभी आलू कद्दूकस किया हुआ, गोभी कद्दूकस किया हुआ, मटर, धनिया पत्ता, हरा मिर्च सभी को डालकर एक बार मिक्स कर लेना है अपने हाथों से अच्छे से। तो चलिए इन सभी को मिक्स करते हैं। तो देखिए, इन सभी को मिक्स करने के लिए हम नमक डाल देते हैं। तभी में इनमें पानी हमें नहीं डालना है, तभी अच्छे से मिक्स होंगे। तो देखिए, सभी को मिक्स करके अभी इनमें हम मसाले नहीं डालेंगे। पहले इनको मिक्स करके अच्छे से हाथों की मदद से हम इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, क्योंकि इसमें नमक डाले हैं तो पानी ये छोड़ देगा, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसमें पानी हमें नहीं डालना पड़ेगा। तो देखिए, हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं ऐसे। बिल्कुल, आपको इसी तरह अपने घर में पकौड़ी बनाना है तो बनाकर एक बार टेस्ट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। चलिए, इसे 2 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे। तब इसे तो देखिए, इसको ढक कर रख देते, अब रेडी हो चुका है। इसमें हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी गुल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड। तो चलिए, सभी मसालों को डाल देने के बाद अभी सबको फिर से एक बार के लिए हम फिर से मिक्स कर लेंगे। आप सरसों ऑयल में फ्राई करना चाहते हैं सरसों ऑयल में, रिफाइन ऑयल में फ्राई करना चाहते हैं रिफाइन ऑयल में। आपको अगर स्टीम कर खाना है इसी तरह से वो भी कर सकते हैं। तो देखिए, इधर हमने तेल बैठा लिया था और छोटे छोटे हमने बाउल बना लिए हैं। उन सभी को एक एक करके हमें इसमें डालते जाना है। देखिए, हम एक एक करके सभी को डाल दे रहे हैं, और तब इसको बढ़िया सा क्रिस्पी एकदम फ्राई कर लेना है हमें। देखिए, एक एक करके हम बाउल इसी तरह डालते जाएंगे, छोटा छोटा और बाउल बनाया था। बहुत ही टेस्टी पकौड़ी लगेगी, तो आप इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा फ्रेंड एक बार मेरे तरीके से। और आगे मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे। तो देखिए, हमारी क्रिस्पी पकौड़ी लाल लाल हो चुकी थी थोड़ा, और हम इसे अभी हम गैस को लो फ्लेम में ही रखे हैं, तभी इसको पकाएंगे। तो भी जितना लो फ्लेम में पकाएंगे उतना ही पकौड़ी हमारी अंदर से क्रिस्पी बनेगी। तो चलिए, इन सभी को बारी आती है अब निकाल लेने के लिए। अब इन सबको हम तेल गार तेल को थोड़ा, तो चलिए इन सभी को हमने पकौड़ी को निकाल लिया था, और इस पे धनिया पत्ता की चटनी हम साथ लगा दिए थे। धनिया पत्ता की चटनी के साथ हम पकौड़ी को खाएंगे। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें बताइए।
इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।